वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी आप ये जो एक्वेरियम देख रहे हो, यह एक्वेरियम नीलकंठ धाम पोइचा की जो प्रदर्शनी है, उस प्रदर्शनी या एग्जीबिशन में एक एक्वेरियम स्थित है, वहाँ की है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि नीलकंठ धाम पोइचा में एक एग्जीबिशन बनी है। वैसे तो हम ये वीडियो बस यूँ ही बनाया था और इस वीडियो को YouTube पर पब्लिश करने का कोई प्लान नहीं था, और ऐसे ही अपने कैजुअली मैंने अपने ग्रुप में इसे डाल दिया था। बट कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि उनके घर में जो किड्स है वो इस वीडियो को देख के बहुत ही खुश होते और उन्होंने इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरे दोस्त के बच्चे इस वीडियो को देख कर खुश हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स और उनकी फैमिली के किड्स के लिए ये वीडियो बनाया जाए और उनको शेयर किया जाए। तो बस उसी मकसद से हमने यह वीडियो बनाया है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वैसे एक्वेरियम में फिशेस के स्पाइसेस का कोई लेबल नहीं था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो अंधेरा था तो शायद तक आपको विजन भी इतना प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा। अपोलोजाइज फॉर देट। वैसे अगर आप पर्सनली से लाइव देखना जाना चाहते हो तो नीलकंठ धाम पोइचा पहुंच जाइए, वहाँ पे एग्जीबिशन की टिकट लीजिए और आप वहाँ पे घूम के ये देख सकते हो। पूरे एग्जीबिशन की प्राइस 150 के आसपास है और आपको करीब 1.5 से 2 घंटे के आसपास लगेगा उस पूरे एग्जीबिशन को देखने में। और वहाँ पे ये सिर्फ एक्वेरियम नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ है। जैसे वहाँ पे एक आपको शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे जिसमें धूम्रपान और के खिलाफ जो इफ़ेक्ट होती है उसके रिलेटेड है। एक हॉरर हाउस है, मिरर इमेज हाउस है, किड्स प्ले जोन है, एक नौका विहार का सेक्शन भी है कि जिसमें आपको कुछ लोगों को एक नाव में बिठा देते हैं और पूरा एक छोटी सी नहर बनाई है, उस नहर का पूरा चक्कर लगाते हैं। उसके दोनों आजू बाजू इंडियन कल्चर्स की काफ़ी अच्छी सी मूर्ति जैसी बनाई है। अगर आप अपनी उसके आँखों से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमने उसका भी एक वीडियो बनाया है, करीब 7 मिनट के आसपास लगता है। तो शायद तक हम ये वीडियो फ्यूचर में अपलोड करेंगे आपके लिए। फ़िलहाल अभी तो आप इस वीडियो को अपने और अपने अपनों के साथ एंजॉय कीजिए।